सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बढ़िया टेस्टी यमी स्टफ्ड सैंडविच रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटोस। पोटैटोस को हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने 4 से 5 पोटैटोस लिए। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें, रेड चिली ऐड करें, धनिया पाउडर ऐड करें। धनिया पाउडर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। अब इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करें, सीजनिंग ऐड करें और चॉप्ड अनियन ऐड करके इसकी एक बढ़िया सी स्टफिंग तैयार करेंगे हम। अब सेकंड स्टफिंग के लिए हमें चाहिए पनीर। पनीर को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा तंदूरी सॉस ऐड करेंगे, मायो ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, सीजनिंग ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सीजनिंग चिली फ्लेक्स आप स्किप कर सकते हैं इन केस चाहें तो, आपको ज़्यादा इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो। और यहाँ हमारी सेकंड स्टफिंग रेडी हो जाएगी। अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड की चारों साइज से हम इसे कट कर लेंगे और ऐसे ही हम सेकंड ब्रेड भी लेंगे और इसको चारों साइड से कट करके हम इसमें स्टफिंग फिल करना शुरू करें। स्टफिंग फिल करने से पहले हम दोनों ब्रेड्स को लेकर उस पर बढ़िया से बटर स्प्रेड करेंगे। दोनों साइड बटर स्प्रेड करने के बाद हम इसमें स्टफिंग फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग फिल करेंगे एक साइड ब्रेड के, और एक साइड ब्रेड के हम पनीर की स्टफिंग ऐड करके अब इसमें हम थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। और चीज़ ऐड करने के बाद हम एक पैन पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे और हमारा तैयार सैंडविच हम इस पर रख कर दोनों साइड से इसे लाइट ब्राउन होने तक सेकेंगे। जब ये दोनों साइड से लाइट ब्राउन होकर सेक जाएगा तो हम इसे सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे हमारे क्रिस्पी स्टफ्ड सैंडविच को।